ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमने एक शो पहले भी किया था डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के साथ और हिस्ट्री पे बात की थी, और आज भी डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हम बिल्कुल हिस्ट्री पे ही बात करेंगे। लेकिन बात हम करेंगे 1971 की। जैसा कि सभी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, चाहे वो संजय दीक्षित जी हों, चाहे वो आप देखते हैं कि तारिक फतेह साहब या कोई भी आता है, हम उनसे कोशिश करते हैं कि हम हिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और सही कर सकें, कम से कम समझ तो सकें, अगर हम बुक्स में नहीं भी चेंज कर पा रहे तो। अब बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, और आज हम सर बात करेंगे 1971 की। 1971 आपके ख्याल से क्यों हुआ, क्या जरूरत हो गई थी कि इस तरह से 1971 वॉर हुई, और उसमें हमारी कहाँ तक गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूटा। लेकिन हमें गलत बताया जाता है बहुत दफा, जो है वो हिस्ट्री, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गलत पढ़ाई जा रही है। तो आपके ख्याल से सब ये सब कुछ क्यों हुआ, और सिर्फ 13 दिन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 दिन की वो जंग थी, और 13 दिन के अंदर एक दूसरा मुल्क क्रिएट हो गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी आपसे बात हो चुकी है और वो मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने सुना है हमारी डिस्कशन को, तो आपकी बहुत मेहरबानी। कम से कम आप जैसे जो हैं ओपिनियन बिल्डर्स, मैं कहता हूँ आपको, जो सच की तलाश में निकले हुए हैं, तो आपके यहाँ बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल रोल है, ये आप देखें, तो बड़ी मेहरबानी आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, आपने पूरा कई सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं। मेरा तो ख्याल था इनको वन बाय वन आप लेती तो कई बातें हो जाती, बट इट सीम्स आई मस्ट गिव माय ऑल होल ओवरव्यू ऑन दिस। देखें, बात सुने, ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान के साथ एक मुल्क बनना जो है, ये अप्रैल 1947 तक बिल्कुल अनक्लियर था। ये देखें आप, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन ने कहा कि जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया, वहां पे उनको सेपरेट मुल्क दिए जाएं जो इंडिपेंडेंट हों और सॉवरन। वहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई कि कई मुल्क बन सकते हैं, एक बने, एक नहीं दो, वन इन ईस्ट पाकिस्तान, वन इन वेस्ट पाकिस्तान, या सेवरल इन बोथ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये क्लियर नहीं था। तो उस जमाने में पंजाब के सिखों ने कहा कि अगर आप पंजाब का हिंदुस्तान की तकसीम कराते हैं मज़हब की बुनियाद पे, तो हम पंजाब की तकसीम करवाएंगे मज़हब की बुनियाद पे, और जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है उनको हम एक सिख स्टेट को या इंडिया को चाहेंगे कि उसमें दिए जाएं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौकफ था कि ये सारे इंडियन जो हैं वो एक ही नेशन है, इसलिए इंडिया यूनाइटेड होना चाहिए और इसकी कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स बढ़ते गए, ये क्लियर होता गया, खास तौर पे 20 फरवरी 1947 को, जब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा कि बाई जून 1948 वी विल ट्रांसफर पावर एंड विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया। तो उस दिन से पता लग गया कि नाउ द ब्रिटिश आर गोइंग टू ट्रांसफर पावर एंड लीव इंडिया। उस जमाने में अब जो पाकिस्तान की मुहिम थी खासी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन बंगाल के अंदर एक मूवमेंट चली कि बंगाल को एक इंडिया बने, एक पाकिस्तान बने, और एक बंगाल की भी डोमिनियन तीसरी बने जो यूनाइटेड बंगाल की हो।
तो इसको वहां के जो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी और सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद बोस, वो इस स्कीम के हक में थे। लेकिन 8 मार्च 1947 को कांग्रेस ने अपना मौकफ बदला और कहा कि हम सिखों की जो डिमांड है ना, कि अगर पार्टीशन होती है इंडिया की तो पंजाब भी पार्टीशन करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और अप्रैल में उन्होंने कहा कि आप बंगाल की भी पार्टीशन करें मजहबी बुनियादों पे, क्योंकि अगर इंडिया पार्टीशन हो रहा है मजहब की बुनियाद पे और पंजाब की डिमांड सिखों की है, तो बंगाल के ऊपर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करें। तो हिंदू महासभा और कांग्रेस ने मिलकर वहां पे बंगाल की तकसीम करवाई। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो हैं, ये एक मुल्क बने ओनली एज लेट एज अप्रैल 1947 ऑनवर्ड्स। अब गया मुल्क बन। मसला ये था इस मुल्क के पास कोई अपनी इंडस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसी अपना प्रोडक्शन नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो दोनों ये जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को एक क्रेडिबल डिफेंस दे सके। तो सारी डिफेंस वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेट हुई और ईस्ट पाकिस्तान बी टीम बन गया पाकिस्तान का। आपने कहा ना कि इसकी रूट्स क्या है, 71 एकदम तो नहीं हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो पहली देखें आप पाकिस्तान की कैबिनेट जो स्वेयर इन हुई है 14 मिनिस्टर्स की या कितनों की, उसमें से सिर्फ एक बंगाली मुसलमान को इन्होंने मिनिस्टर बनाया है। शायद उनका नाम फजलुर रहमान था और वो कोई प्रोमिनेंट आदमी भी नहीं थे। उनमें हुसैन शहीद सोहरावर्दी को नहीं रखा गया, और भी बड़े बड़े हैवी वेट थे वहां के नाम जिनको नहीं कंसिडर किया गया। तो पहले दिन से बंगालियों में ये था कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है ये या पंजाबियों की है या ये उर्दू स्पीकिंग लॉट की है। सिंधियों ने भी शोर मचा के कुछ महीने बाद अब्दुल सत्तार पीरजादा को मिनिस्टर बनवा लिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कायदे आजम ने जोगिंदर नाथ मंडल को, जो एक दलित हिंदू थे, उनको भी मिनिस्टर बना लिया था, लेकिन जो बंगाल के मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की सपोर्ट की, उनमें से सिर्फ एक बंदे को बनाया। तो वहां से एक बंगाली रिजेंटमेंट कह लें, सेंस ऑफ एलियनेशन शुरू हो गया। और आप देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री बढ़ती है तो बंगाल के साथ वो क्या कहते हैं सुतेली माँ वाला ही सलूक हुआ। मेरी जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट ऑरिजिन्स इवोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस 1947 टू 2011 में दो चैप्टर हैं कि ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अच्छा, एक और बात देखें आप, पाकिस्तान तो गया बन, मुस्लिम लीग ने हुकूमत भी बना ली सेंटर में और प्रोविंसेस में, लेकिन इन्होंने कोई नेशनल इलेक्शन नहीं किए। और अगर प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, मसलन बंगाल में हुआ था 1954 में, और ऑपोजिशन पार्टीज ने जो मुस्लिम लीग के खिलाफ थी उन्होंने वो जीत लिया था और उनकी हुकूमत बनी, इन्होंने एक दो हफ्ते के अंदर उनको डिसमिस कर दिया कि ये इनके पीछे कॉम्युनिस्ट हैं। तो एक और धचका वहां पे लगा। उसके बाद पाकिस्तान में फ्लड्स आए, हाँ जी, और फूड क्राइसिस भी बड़ा था, अमेरिका से हमें वीट मिला करती थी। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रिजेंटमेंट बहुत बढ़ती गई और उनका ये एक इतराज था कि फूड की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं लेकिन उसको इन्वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में नहीं किया जाता, वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किया जाता है। ये दुरुस्त थी या गलत थी, ये इस पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये उनके इल्जामात एक के बाद हमें नजर आते हैं। अब होता क्या है कि 1969 में फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत जो है,
वो गिर जाती है और जनरल याहिया खान जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हम, क्योंकि देखें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 56 में बनी लेकिन प्रोमलगेट ना हो सकी, 62 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन दी और वो कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान के साथ ही डिसमिस हो गई। तो इलेक्शन जब हुए तो उसमें दो चीज़ें थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वापस आएगी क्योंकि अयूब खान जो थे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए थे और वन मैन वन वोट के बुनियाद पे ये इलेक्शन होंगे। तो उसमें जो 300 इलेक्टेड सीट्स थी ना नेशनल असेंबली की आरजू, उसमें से 162 ईस्ट पाकिस्तान की थी क्योंकि उनकी 55% पॉपुलेशन थी पाकिस्तान के अंदर। अवामी लीग ने वहां पे जो जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा उसे कहते हैं 6 पॉइंट्स। अगर आप 6 पॉइंट्स देखें तो उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान एक स्टेट की बजाय प्रैक्टिकली दो स्टेट्स बन जाता है, एक कॉन्फेडरेशन बन जाता है जिसमें दो करेंसीज होंगी और फ्लाइट ऑफ कैपिटल यानी ईस्ट पाकिस्तान की अर्निंग वेस्ट पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी और वहाँ पे वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस भी तैयार करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी मुनासिब मिलिट्री फोर्स नहीं थी। तो इस बुनियाद पे एक साल उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की और जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आउट ऑफ 162 सीट्स 161 वर वन बाय द अवामी लीग। अब जहां पे पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड सीट्स 300 हो, 15 नॉमिनेटेड भी थे लेकिन उनकी कोई वेट नहीं है, तो इन पार्लियामेंट्री सेंस अवामी लीग हैड ऑल द राइट इन अ डेमोक्रेसी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उस मौके पर पाकिस्तान में जो मेन विनर थी वो थी पीपल्स पार्टी, शायद पंजाब और सिंध में मिलके उनके 82 सीट्स थी, बाकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जीते थे और बलोचिस्तान में बलोच पार्टीज थी और जमीयत उलमा इस्लाम जीते थे। ठीक है, तो जब हुकूमत, अच्छा ये अभी हुकूमत नहीं थी बनी, पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि जो भी हुकूमत सेंटर में बनेगी वो वेस्ट पाकिस्तान के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करे। और देखें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जो बेसिकली उस जमाने में आर्मी रूल कर रही थी, उनको भी मुश्किल लगा या नामुमकिन लगा कि वो 6 पॉइंट्स की बुनियाद पे एक नए किस्म का पाकिस्तान बनने दें। अब सवाल ये है कि याहिया खान ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू किया था जिसमें दो चीज़ें थीं कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं कर सकते। हाँ जी महल, ये उसकी मेन थी, लेकिन उनको चाहिए था कि अगर 6 पॉइंट इतने ही पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ थे तो आप इलेक्शन ही ना होने दें, कहें कि आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बदल के लाएं, लेकिन इन्होंने उन पर कोई जोर नहीं दिया कि ये मैनिफेस्टो ही पाकिस्तान के खिलाफ है। तो उस पर वो उन्होंने इलेक्शन जीता, मैंडेट लिया, दुरुस्त है वो मैंडेट सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान से था, वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई रूल नहीं है कि जो एक मुल्क में मेजॉरिटी पार्टी ना हो उसको आप हुकूमत ना बनने दें। तो हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने और जनरल याहिया ने मिलके जो अवाम का फैसला था कि हुकूमत अवामी लीग की बनेगी वो नहीं बनने दी, और उसके बाद मुजाकरात हुए, मुजाकरात भी फेल हो गए और मार्च 25 को मिलिट्री, देखिए उससे पहले अवामी लीग की गुंडागर्दी भी हुई है जो इन्होंने वहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तानी थे उनको अटैक किया, छोटों को भी रेप किया गया, कुछ लोगों को मार भी दिया गया। हाँ जी, लेकिन फिर मिलिट्री एक्शन जब हुआ है 25 मार्च को,
1971 में, तो मुझे याद है जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि गॉड हैज सेव्ड पाकिस्तान, यानी मिलिट्री एक्शन के वो हक में थे। वो मिलिट्री एक्शन जो है उसके रिएक्शन में फिर कई मिलियन बंगाली जो हैं वो इंडिया चले गए। वहाँ पे इंडिया ने एक मुक्ति बहिनी को तैयार किया, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी और उनको वापस भेजा, तो एक सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सिविल वॉर जो है उसमें फिर जो मिलिट्री एक्शन हमारा है, मेरी आप किताब पढ़ लें और बाकी लोगों ने भी लिखा है, बहुत ज्यादा कत्लेआम बंगालियों का किया गया है। बिल्कुल सर, एक जगह, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक जगह कहीं कई रिपोर्ट्स जो हैं यूरोप की, उसमें कहा गया कि अमेरिका किया कहीं की, उसमें बीबीसी की, 4 से 5 लाख लोग मारे गए बंगालीज, कई ने कहा जी कुछ हजार थे। और उसके बाद भारत तो खैर फिगर ज्यादा बताता है, लेकिन बात ये कि सर हमारी भी तो गलती होगी ना, हम हर चीज तो किसी दूसरे पे डाल के अपने हाथ साफ नहीं कर सकते। जैसे हसन निसार साहब कह रहे थे कि बंगालीज के साथ जो रवैया था, जो हम लोगों का एटीट्यूड था, वो बहुत गलत था। उनको बात बात पे इंसल्ट करना, उनकी बात बात पे उनको सुना देना, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुई। और आज आप देखें बांग्लादेश कहाँ है, हम तो उससे बहुत पीछे रह गए और अपने ही जैसे ईगो के अंदर हम फंस के रह गए। ठीक है, मैं ये सारी बातें करना चाहता था कि जी। जो ट्रीटमेंट हुई है, मैंने तो आपको बजाय जो एक नारेबाजी है उसकी बजाय आपको फैक्ट से बताया है। बिल्कुल, पहली कैबिनेट में एक बंगाली मुस्लिम को रखा जाता है और वो भी ये नॉन डिस्क्रिप्ट बंगाली है, नोबडी हैड हर्ड ऑफ, जो उस जमाने के लीडर थे बंगाली मुस्लिम, उनमें से किसी को नहीं इंडक्ट किया। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वो कहते हैं हमारी हुई। आर्मी देखे ना 65 वॉर में, अगर इंडिया चाहता तो दे कुड जस्ट वॉक इन टू ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे तो कोई मिलिट्री डिफेंस थी नहीं, नाम की थी थोड़ी सी, देर वॉज गोइंग टू बी नो अपोजिशन अगर वो चाहते। लेकिन इंडिया की जो प्लानिंग है वो ज़रा स्ट्रेटेजिक होगी, उन्होंने कहा कि इसका बंगाली हमारे साथ नहीं है, तो वी विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वो जो जंग हुई 65 वॉर की, वो तो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुई ना इंडिया के साथ, ईस्ट पाकिस्तान पे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 71 में जब बंगाली जो हैं आपके मुसलमान, आप कह लें मेजॉरिटी जो थी 75% शायद मुसलमान थे, शायद 80% तब थे, क्योंकि उनमें से हिंदुओं पे कई हमले हुए थे और वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, तो अबाउट 80-85% वहाँ पे अब मुसलमान ही थे। उन पे जब आपका मिलिट्री एक्शन हुआ और वहाँ से कई मिलियन इंडिया चले गए और वहाँ से ट्रेन होके वापस आके उन्होंने फिर रेजिस्टेंस दी, तो वो सिविल वॉर में फिर जाहिर है जिसके पास एक आर्मी हो, जिसके पास एक ट्रेन फौज हो, उसका एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो अब कितने लोग मारे गए थे, मैंने उसको भी किया, 3 मिलियन कहते हैं बांग्लादेशी और शायद इंडिया भी, मैंने वहां पे आर्ग्यू किया। और मुझे एक बंगाली जो मिनिस्टर रह चुके हैं इन बांग्लादेश, उन्होंने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान लाइक मैनी अंदर इंडियन एंड पाकिस्तानी didn't understand के मिलियन में और लाख में फर्क होता है। एक्चुअली 3 मिलियन नहीं, जो एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल किल्ड है वो है 300,000। अलबत्ता हमारी तरफ से फिगर्स 20,000 के, 30,000 के भी दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वेस्ट पाकिस्तानियों पे भी हमले हुए, और बिल्कुल हुए, बल्कि शुरू शायद उधर से हुए, लेकिन हमारा स्केल जो है रिप्रेशन का वो उनसे बहुत ज्यादा था। बहुत बंगाली औरतों को रेप किया गया। वो एक हमारे हैं कर्नल सिद्दीकी साहब, उनकी किताब है जो मैंने रिफर किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे सोल्जर्स को ने रेप किया बंगाली औरतों को। और एक और बात बता दूं, कर्नल नादर अली, उनकी अभी वफात हुई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था जो मेरी किताब में है, कि कहा गया था कि हिंदू बंगालियों को खास तौर पे टारगेट किया जाए मारने में। ये सारी किताब, सारे एविडेंस मेरी किताब में है, पाकिस्तान द गैरजन स्टेट में।
सो आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, और उनके मुतालिक ये था कि इनके कद छोटे हैं, रंग डार्क हैं, वेस्ट पाकिस्तानी ज़रा ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो ये सारे प्रेजुडिस थे। लेकिन इन प्रेजुडिस का जिक्र करने की बजाय फैक्चुअल बातें जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं सही दी गई, जब वो इलेक्शन जीत के आए तो उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। यानी मुजीबुर्रहमान इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि याह्या खान इज़ माई प्रेजिडेंट, एंड याह्या खान एट वन पॉइंट सेज दैट आई हैव टॉक टू माई फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर्रहमान। लेकिन वो टॉक्स फेल हो गए बिकॉज पीपल्स पार्टी पुट इट्स फुट डाउन कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो हम यहाँ पे शोर मचाएंगे। और मेरे ख्याल से इसके अंदर याह्या खान की और भुट्टो साहब की कोई अग्रीमेंट होगी। देखने में तो ये उनका झगड़ा लगता है, बट देयर मस्ट बी सम अंडरस्टैंडिंग। ये जैसे हो रहा था, नेट रिजल्ट ये है कि नवंबर तक इंडियन आर्मी भी आना शुरू हो गई 21 नवंबर के इर्द गिर्द। एक तो थे ना मुक्ति बहिनी जो बंगाली ईस्ट बंगाली थे, यानी मुस्लिम्स और हिंदू दोनों वहां के ईस्ट पाकिस्तान के, साथ साथ इंडियन आर्मी की भी इंटरवेंशन हो गई आई थिंक अराउंड 21 नवंबर 1971। और इसके बाद पाकिस्तान ने फिर जंग डिक्लेयर कर दी शायद 3 या 5 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पे जंग शुरू हो गई। लेकिन वो जंग जो है वन साइडेड थी, क्योंकि मैं तो विटनेस हूँ, आई वॉज देन इन लाहौर। इंडियन एयरक्राफ्ट आके लाहौर को एनसर्कल करते थे और जहाँ चाहते थे टारगेट करके बॉम्बिंग करते थे। हमारी एयरफोर्स उनको जाके रोकने की कोशिश ही नहीं करती थी। 65 वॉर में तो डॉग फाइट होती थी और इंडियंस वर फोर्स टू लीव, बट नाउ पाकिस्तान की तरफ से तो पायलट ही उनको इंटरसेप्ट नहीं थे करते। वाई मैनी ऑफ द पायलट्स वर ऑफ बंगाली ओरिजिन, और इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स जहाँ पे ना हो, इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल फ्रीडम हो कि वो जहाँ आके बॉम्बिंग करें, और उनकी आर्मी और हमारी आर्मी की टक्कर में, उनकी आर्मी हमेशा कन्वेंशनल वॉर में हमसे ज़्यादा मजबूत थी। तो उसके बाद सीज फायर हुई। सीज फायर के बाद फैसला यही हुआ, सोवियत यूनियन का भी यही था, अमेरिकन का भी ये था और चाइनीज़ का भी ये था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता तो बांग्लादेश को आप बनने दें, और बांग्लादेश बन गया। ये है सारी हिस्ट्री। तो सर, जो हथियार डालने की बात होती है जनरल नियाज़ी की कि हथियार डाले, वो कहाँ तक इस बात को किस तरह देखते हैं? देखिए, वो एक है कि जी इन्होंने हथियार जंग लड़ के डाल दिए। अगर वो रिजिस्ट करते शायद एक हफ्ता और जंग चलती रहती, लेकिन उसमें शायद कत्लेआम बहुत ज्यादा होता। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब ये हुआ है तो उन्होंने 3 दिन के लिए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी से जो उनके है ना वेपन्स जो हैं उनके पास रहने दिए हैं, कारतूस शायद ले लिए होंगे या कुछ रहने दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे डर था कि बंगाली मुक्ति बहिनी आके पाकिस्तानी आर्मी को लिंच ना करने शुरू कर दे जितना उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री एक्शन किया था। तो 3 दिन के लिए शायद जल्दी सरेंडर करने में ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम तुम्हें बंगालियों के सामने बेबस नहीं कर देंगे। ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर जनरल नियाज़ी ना करते तो क्या जंग हम रिजिस्ट कर सकते थे? नो, 10 दिन और जंग चलती, डिफीट तो 100% श्योर थी। उसकी वजह है कि जब ईस्ट पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाईज नहीं जा सकती, सोल्जर्स नहीं जा सकते, तो आप कैसे जंग लड़ेंगे जो आपके वहाँ पे महदूद फौज है और महदूद उनकी वो क्या कहते हैं आर्ममेंट्स हैं, तो हाउ कैन यू फाइट अ फुल फ्लेज्ड इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्शन? तो वो जनरल नियाज़ी की बुजदली लोग कहते हैं, बुजदली तो है, मगर ये भी है कि मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि वी विल नॉट लेट यू बी कैप्चर्ड बाय द मुक्ति बहिनी, एंड आप लोगों पे जो वो अगर चाहें कत्लेआम आपका करना तो हम नहीं करने देंगे। और वो नहीं हुआ। 3 दिन के बाद इतनी फिर इंडियन आर्मी आ गई कि उन्होंने फिर मुमकिन नहीं होने दिया कि
पाकिस्तानी 94,000 POWs थे जिसमें महल 30,000 से ज्यादा हमारे आर्मी थी कि उनके ऊपर हमले हो सके। तो वो एक मैं समझता हूँ वैसे तो बुजदिली है देखने में और वो दिल बड़ा टूटा लोगों का। मुझे वो दिन याद है जब मैंने वो देखा तो हाउ वी वर ब्रोकन एज अ पीपल, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यू हैव इनवाइटेड मी टू गिव एन एनालिसिस और मेरा काम है जो ऑब्वियस बातें होती हैं उनसे जरा हट के एक एक्सप्लेनेशन दे। तो मेरे ख्याल से जो एकदम सरेंडर हुआ उसमें ये भी हुआ कि उन्होंने पाकिस्तानियों पे अटैक फिर इंडियन आर्मी ने नहीं होने दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे जरूर है कि जब भी मैंने सुना है जहां तक सही है या गलत कि जितनी भी इंडिया के साथ हमारी वॉर्स हुई हो चाहे वो 65 हो चाहे वो 71 की हो या कारगिल हो कुछ भी हो, कहते शुरुआत पाकिस्तान ने की हमेशा, अटैक पहले पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान एक भारत के मुकाबले में एक छोटी और कमजोर मुल्क के तौर पे हम उसको देखते हैं और फिर ये हर दफा जाके और हारे भी, मतलब कोई जंग जीती भी नहीं है। ये हमारे जो कई एक दो फौजी भी आए शो में, वो भी नहीं बता सके कि कौन सी जंग हमने जीती। वो यही कहते हैं कि बस ये हम लड़े, तो लड़ते ही क्यों थे? क्यों इस बात को या किसी भी चीज को ये लोग पहले ही टेबल टॉक तक नहीं ले जाते थे कि बैठ के बात की जाए, जब इन्हें अच्छे से पता है कि वहां जाएंगे और फिर वो हमसे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा मजबूत और हर तरह से उनके पास, चाहे वो आप हथियार कह लें या कुछ भी कह लें, सब कुछ है। तो हम उनसे जाके पंगे लेते ही क्यों अपने बड़े से? जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मैं अपनी अपनी साइज की गाड़ी जो होती है उनसे तो मैं पंगे ले लेती हूँ ओवरटेक करने में, बस और ट्रक से नहीं करती। मैं कहती हूँ जाओ भाई पहले निकल जाओ। आरजू जी बात सुने, एक दिन आप सेशन रखें मेरी पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब पे, आप उसे पढ़ लें और उस पर सिस्टमेटिक डिस्कशन हो, क्योंकि ये सारी बातों का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है और उसमें उसमें मैंने इंटरव्यू देखे पाकिस्तान के 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया, 4 ISI के हेड से किया, कई लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स एंड मेजर्स का किया। ये सारे अफसर के इंटरव्यू हैं और हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो दिया है। सो आई नेवर मिंस द पॉइंट, यानी मैं ये नहीं करता कि अपनी पसंद का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, लेट ऑल व्यूज बी एक्सप्रेस्ड। तो उसमें कई किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सारी जंगें हमने शुरू की हैं। कश्मीर में भी हमने अपने जो जब ट्राइबल भेजे हैं तो उसके बाद ही महाराजा ने डिसाइड किया। इंडिया का प्रेशर तो था कि यू ज्वाइन अस, जैसे हमारा प्रेशर था, बट ही वांटेड टू कीप कश्मीर यूनाइटेड अंडर हिज रूलरशिप, ठीक है ना। बट बाय सेंडिंग इन द ट्राइबल्स और वो जब इस तरह शुरू हो गई तो इंडिया ने फिर कहा कि अगर मदद लेनी है तो एक्सीड 165 वॉर भी हमने जो प्लान की वो तो एक स्कैंडल बनता जा रहा है। इन्होंने जो लोग भेजे कश्मीर के अंदर उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि इंडियन कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो वहाँ के कश्मीरियों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ आके बात एक अजीब जुबान में करते हैं, क्योंकि कश्मीरी तो पंजाबी नहीं ना बोलते और ये सब पंजाबी स्पीकिंग थे और इन्होंने मन और शेरों की बात की। वहाँ पे किलोग्राम्स और वो आ चुके हुए थे, मैट्रिक सिस्टम आ चुका हुआ था, तो वो जो बेचारे कश्मीरी होंगे वो ही घबरा गए कि हु आर दिस पीपल। तो ये इस तरह पकड़े गए सारे। ये दूसरी बात है कि 1-to-1 जब जंग हुई है लाहौर फ्रंट पे या सियालकोट पे, तो देन आवर मैन फॉट लाइक टाइगर्स। इंडिविजुअल ब्रेवरी की मैं बात नहीं कर रहा, जब हुक्म मिला कि अब जाके जंग करनी है तो इन्होंने की है। जाहिर है इंडिया की तरफ से भी वैसी ट्रेन फौज है, वहां से भी उन्होंने पूरी अपनी पेट्रियटिज्म कह लें या नेशनलिज्म जो भी है, जो ट्रेनिंग होती है, उधर से भी वो लड़े हैं। तो कन्वेंशनल वॉर में हमारा कोई चांस नहीं कभी जंग जीतने का, और न्यूक्लियर वॉर अगर हुई खुदा ना खास्ता तो दोनों की तरफ तबाही है। पाकिस्तान फिर भी नहीं जीत सकता और ना इंडिया वो जंग जीत सकता है। तो अब जंग मुमकिन भी नहीं है इन रैशनल टर्म्स, अकल की बुनियादों पर, पागलपन की बुनियाद पे, जुनून की बुनियाद पे तो कुछ भी हो सकता है। सब जंगें हमने शुरू की,
सब जंगें, ईस्ट पाकिस्तान वाली जंग में आप कह सकते हैं कि यहाँ से बुक्ति बहिनी गए तो इंडिया ने उन्हें ट्रेन किया, तो अब कौन किसने पहले जंग शुरू की इस पे बहस हो सकती है। लेकिन जो कन्वेंशनल जंग हुई ना, जब ओपन जंग हुई है, तो वो तो जब हमने वेस्ट पाकिस्तान का फ्रंट खोला है और इंडिया ने फिर उसका जवाब दिया है, तो वही तो आप बता रही हैं 13 दिन की जंग हुई थी या क्या जी, और वो सीज फायर हो गया, तो उसके अंदर हमेशा एक झगड़ा रहेगा, हु स्टार्टेड द 1971 वॉर एंड व्हाट हैपेंड। लेकिन बाकी सब जंगे हमारा इनिशिएटिव है। ये क्यों है, उसमें जब मैं अपनी ये गैरिसन स्टेट वाली किताब लिख रहा था, तो आई टॉक टू सम सो कॉल्ड नहीं कहना चाहिए, लेट्स से अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो मिलिट्री स्टडी करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, उन्होंने कहा कि जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे, उसमें क्रिस्टीन फेयर है और 2-3 और बड़े नाम है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो सोल्जर या अफसर थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हर हिंदू के हर मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं पे हावी है। तो इनको ये खुशफहमी थी कि जो जंगे हम पहले जीतते रहे हैं, अब भी हम वैसे जंगे जीतेंगे। हालांकि जंग की तर्ज, उसकी प्लानिंग, उसकी ट्रेनिंग, वो अंग्रेजों के आने के बाद बिल्कुल और किस्म की हो गई थी। जो फौज पाकिस्तान की है वही इंडिया की है, जो ट्रेनिंग इनकी है वही उनकी है, तकरीबन सारे वही यूनिट दोनों तरफ है, और दोनों जो हैं जब लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से अपनी हिम्मत से ही लड़ते हैं। हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ हमारे लोग भी दे फॉट लाइक टाइगर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट सो वॉट, टाइगर्स ऑल्सो हैव टू लूज आउट टू वन अनदर, तो जो ज्यादा मजबूत है वो हावी हो जाएंगे। कोई भगोड़े नहीं इंडियन थे, नेवर, और हमारे लोग भी नहीं। सर भगोड़े तो हम निकले ना, अनफॉर्चुनेटली यही बात हम इंडियन टीवी पे भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जी इस तरह से हुआ। तो अब बहुत दफा हम क्योंकि गए ही एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट होते हैं, जिसमें हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हैं, नाराज भी हो जाते हैं कि तुम वहां पे कुछ और बोलती हो, अपने चैनल पे कुछ और बोलती हो। तो मैंने कहा क्या करूं, मैं वहां डिफेंड करने गई होती हूँ, चाहे वो उनकी गलत बात भी हो, मुझे डिफेंड करना होता है। अपने चैनल पे मैं अपनी मर्जी से जो सच है वो बात कर रही होती हूँ। लेकिन सर बात वही है ना कि हम मानते नहीं, और दूसरा हमारे अभी तक अगर आप आज भी उठा के देख लें हमारे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट, हमें एक हिंदू फोबिया हुआ है, हम हर चीज में मजहब को घसीट के ले आते हैं। अब देखें मुझसे ना आप बुलवाएं, क्योंकि मुझे फिर भी आई हैव टू बी केयरफुल। वजह यह है कि आपके पास जो आजादी है, मेरे पास एक एज एन एकेडेमिक चंद मजबूरी है कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हो जाए और वापस आदमी ले ना सके। तो जहां तक आप एविडेंस की बात कर रही हैं, फैक्ट्स की बात कर रही हैं, आई टोटली एग्री विथ यू। हमारा साइकोलॉजिकल ये क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा ये एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये पुरानी जगहों की बुनियाद पर है, जो एक ज़माने में हुई और जो मुसलमान आए उन्होंने जीत ली यहाँ के फौजों के खिलाफ एक जमाने में, बट आई थिंक दैट कैनॉट बी रिपीटेड। दैट्स व्हाट वी आर, यू एंड आई आर सेइंग, तर्ज़े जंग बदल गया है ना। उन्होंने अपनी जंग अपनी फौज के अंदर हर किस्म के लोगों को रख लिया है, तो जो पुरानी कास्ट सिस्टम की जंग थी वो ख़त्म हो, उनकी फौज की जो शेप थी वो बदल गई है, वो एक हमारी तरह ही नेशनल फौज है, हर किस्म के तबके से जो क्वालिफाइड लोग हैं, फिजिकली फिट हैं, वो आ जाते हैं। तो अब तो नेशनल रूट्स उनकी फौज के भी हैं, हमारी फौज के भी हैं, बल्कि हमारी फौज तो अभी भी लिमिटेड है चंद इलाकों में, उनकी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है। ठीक है, वहां पे भी पंजाब की ओवर रिप्रेजेंटेशन है, मैं रोज सुनता हूँ। तो जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे वो तो यही है जो यहाँ के पुराने लड़ने वाले हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि ये जो मोदी ने जो झगड़ा सिख फार्मर्स के साथ डाल ली है, ये उनको डीमोरलाइज करेगी उनकी फौज को, जिसमें सिख बहुत ज्यादा है। तो मोदी बेटर बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि जंगों के अंदर उधर से भी सिख ही लड़े हैं, नहीं हिंदू भी लड़े हैं। यार मैं वैसे ही आई डोंट वांट टू गो इनटू स्लोगन्स, उनकी फौज भी लड़ी है और दिलेरी से लड़ी है, हमारी फौज भी लड़ी है दिलेरी से लड़ी है। फर्क एक और बता दूं, हमारे पोलिटिकल लीडर्स फ्रॉम द टॉप जिना से लेके एंड तक
किसी तक आ जाए, दे आर ग्रेट टैक्टिकल थिंकर्स बट दे आर नॉट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स. उनके पॉलिटिशियंस भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, उनकी आर्मी भी प्लानिंग है. मसलन मैंने अपनी किताब में बताया है कि कश्मीर में जब ये जंग हुई तो उसके बाद 1949 में उनका एक पूरा प्लान था कि इन द नेक्स्ट वॉर विद पाकिस्तान इफ दे अटैक अस इन कश्मीर वील क्रॉस द बॉर्डर एट लाहौर एंड अदर प्लेसेस इंटरनेशनल बॉर्डर. तो उनकी तैयारी तो अगली जंग के लिए पहले दिन से थी. हमारे यहाँ कहा जाता है कि खास तौर पे लॉ मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान को भी कहते रहे और बाकी जनरल्स को भी कहते रहे कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ और इंडिया कभी क्रॉस नहीं करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर को, क्योंकि 47-48 की जंग महदूद थी टू द टेरिटरीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब ये कितनी एक मैं समझता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि इफ यू अटैक मी इन माई स्टमक आई विल गो आफ्टर योर नेक यार, मैं अपने आप को तो ऐसे ही बचाऊंगा ना. तो वाई वुड दे नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इफ यू गो इन टू कश्मीर अगेन, एक दफा तो हो गया था, वाई वुड दे लेट इट बी रिपीटेड. हमारी एरोगेंस ही नहीं है, हमारी लैक ऑफ थिंकिंग है. देखना कारगिल पे अगर आप आए वहां पे भी आप देखें टैक्टिकली तो हमने इंडिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, लेकिन उसके पीछे डिप्लोमेटिक थिंकिंग कोई नहीं थी, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई नहीं थी. अगर आप उस पे चाहें तो बात हो सकती है. तो आई पर्सनली थिंक देयर इज अ बिग 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 प्रॉब्लम इन द वे वी थिंक. वी आर टैक्टिकल थिंकर्स बट वी आर लाउजी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स एंड ऑपरेटर्स. और यहां पे एडवांटेज हम पे हर तरीके से. बिल्कुल ठीक, यहाँ पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, एंड आई होप कि अगर आपके पास टाइम हुआ हम नेक्स्ट वीक हम कारगिल को कवर करेंगे और इस तरह से हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमने खुद ही अपने गले में मुसीबत डाली और हमें पता नहीं क्या बैठे बिठाए हो जाता है, तो उस पर हम बात करेंगे. बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें ज्वाइन किया. शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी. थैंक यू. थैंक यू.